अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी स्टेट की एग्ज़ाम है, मंडे को एग्ज़ाम है। तो आज हम यहाँ पर कुछ दाखिले का रिवीजन करेंगे, ठीक है। कुछ दाखिले का आपको यहाँ पर रिवीजन करके बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको दाखिला समझ में आएगा। नीचे कई माहिती माटे भारत सरेरास ने नीचे जिली ते जीवन निर्वाह प्रश्न सूचकांक सूत्र। अभी इस दाखिले में यहाँ पर भारत सरेरास पद्धति से सूचक अंक ढूंढेंगे, ते पति आधार पर से सरखामणी में थे फेरफार जमा हो। चलो और आपका प्रांत 170.25 एक्स की कॉलम सॉरी प्राइस भाव 2017 का भाव आधार पर 2015 यहाँ पर P1 दिया हुआ है अपॉन P0 150.10 5 110 125 और 200 और यहाँ पर दिया हुआ है W 40 30 10 4 16 सिग्मा W कितना आएगा 40 7 8 9 10 कितना आया 100 और एक कॉलम बनेगी, कौन सी कॉलम बनेगी WX। यहाँ पर जो WX की कॉलम बनेगी उसका टोटल 160 10 150.5 36 45 11 11 1100 125 100 1100 1500 और 1632 3200 टोटल कितना होगा 68 10 45 15 11 100 500 3200 16000 सिग्मा WS इक्वल टू 16125। देखो यहाँ पर हमारे को पहले से P1 अपॉन P0 दिया हुआ है, ठीक है, सूचकांक दिया हुआ है। उसके बाद 170.25 150.5 110 125 200 उसका भार दिया हुआ है यानी W वेट 40 30 10 4 16। अभी हमको पता है कि W वाले सप्ते में W और S को जर्ब करना होता है, तो हमने ये दो कॉलम को यहाँ पर जर्ब कर दिया है, ये दोनों कॉलम को यहाँ पर जर्ब कर दिया है और इसका टोटल किया तो हमारे पास आंसर आया 161.25। हम डाटा लगाएंगे सिग्मा WS अपॉन सिग्मा W 161.25 के तकसीम में सॉरी 161.25 के तकसीम में 100 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सूचक अंक आएगा 161.25। ये हमारा सूचक अंक हो गया WX वाले दाखिले में, ये हमारा सूचक अंक हो गया। अब हम दाखिला आगे बढ़ेंगे दूसरे दाखिले की तरफ। दूसरा दाखिला है, चार भाव दिए हुए हैं, कॉलम बनाएंगे हम, एक 20 किलोग्राम, एक क्विंटल, क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, एक किलोग्राम, किलोग्राम को हम फर्क नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमको कॉलम बनानी है, भाव मैं यहाँ पर पहले कॉलम बना लेती हूँ 120, 300, 4 और 120 जत्था दिया हुआ है 10, 5, 3000 और 3000 ग्राम। इसके बाद एक भाव 280, 440, 8 और 140 जत्था दिया हुआ है 15 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 49, 9। इस तरह की जो यहाँ पर रकम दी हुई है सबसे पहले तो हम उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर कन्वर्ट करना सीखेंगे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो भाव दिया हुआ अगर हम यहाँ पर चार कॉलम में तो जरूर करते हैं, चार कॉलम बनाएंगे रकम में ये जो कॉलम दी हुई है
बाकी सब तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे 2014 और 2015, तो पी जीरो, उसके बाद बनेगी क्यू जीरो, उसके बाद पी वन, उसके बाद क्यू वन। सबसे पहले ये कॉलम बनाएंगे, उसके बाद पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू वन, पी जीरो क्यू वन। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे, 120 के तकसीम में 20, बेच हम बार कितना आएगा, ये 6, एक क्विंटल जो 300 के तकसीम में 100 कितना आएगा, 3। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, यहाँ पर 4 का 4 रहेगा डजन, 120 तकसीम 5, 5 × 10, 5 × 24 कितने हुए, 24। 5 डजन का भाव 120 रुपये है, तो 1 डजन का भाव कितना होगा, 24। 1 डजन का भाव होगा 24। अब हमको क्या करना है, सबको डजन में कन्वर्ट करेंगे। ये बात याद रखना, जब आधा डजन और आधा नंग दिया हुआ हो तो सबको हमको डजन में कन्वर्ट करना है, या तो फिर सबको नंग में कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पर 1 को डजन में कन्वर्ट कर दिया है, अब सभी डजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 10, 5, 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, तो उसको 3000 ग्राम 1000 से तकसीम करेंगे। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, 3 से, अब यहाँ पर डजन का भाव दिया, जत्था दिया हुआ है, डजन में डायरेक्ट लिख देंगे। आगे दो कॉलम बच गई है हमारी, अब आगे की कॉलम पी वन और क्यू वन। अब यहाँ पर पी वन 20 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 20 24 28, यहाँ पर आएगा 14। यहाँ पर 100 से कन्वर्ट करें, 100 में से तकसीम करेंगे, सामने क्विंटल का भाव दिया हुआ है, 100 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर आएगा 4.4, 8 का 8 रहेगा, और 140 तकसीम 5, जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40 कितना है यहाँ पर डजन, 28, डजन का भाव 28। अब क्यों की कॉलम बनाएंगे, 15, 8, 4, ये 39 नंग दिए हुए, नंग को डजन में कन्वर्ट करने के लिए 4 × 8 = 39, डजन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डजन में 12 नंग होते हैं, तो 12 से तकसीम किया 39 को, हमारे पास आंसर आ गया। अब पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू वन, पी जीरो क्यू वन, पी वन क्यू जीरो, 140, 4×20, 4×20, 220 आएगा यहाँ पर, 4.45, 220 और 8×24 और 28×3, 84। आगे पी जीरो क्यू जीरो, ये दोनों कॉलम 6, दोनों को जर कर दिया, 5 × 12 × 2 = 7। अब ये पी वन क्यू वन की कॉलम 14 × 15 = 210 और 4.4 × 8 = 352, 8×32 और 28 × 32 = 8 × 9 = 10 = 11 28 × 4 = 112। अब पी जीरो क्यू वन, पी जीरो और क्यू वन, 15 × 9 = 24, 4 × 16 और 24 × 6, अब ये चारों का टोटल बनेगा। चारों का टोटल बनने के बाद जाप्ता आपको याद होगा, नहीं है तो कर लीजिए, सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो जर तीसरा जाप्ता, सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन पी जीरो क्यू वन जर
तीसरा जाता सिग्मा डायरेक्ट कर लिया कर दो आई एल एल आई टी रूट में। ये हमारा दाखला हुआ किलोग्राम वाला, जिसका टोटल आप करोगे और आंसर भी आप लिया होगे। मैंने रीत बताई है कि कन्वर्ट किस तरह करना है, कन्वर्ट करने की रीत मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब उम्मीद है आप लोग भी अपना काम करेंगे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंट एक अकाउंट और स्टेट एक थियोरिकल सब्जेक्ट है, सॉरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पता है प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप लोग भी अपने घर पे प्रैक्टिस करिए। आप मेरे स्टूडेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप प्रैक्टिस छोड़ना मत, ठीक है। और काल पियर्सन का दाखिले तो मैंने आपको कराए थे, नियत संबंध के दाखिले आपको कराए थे। ये दाखिले मैंने इसलिए आपको अभी कराए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है इन दाखिलों में। अब हम एक दाखिला करने की ट्राई करेंगे काल पियर्सन का सहसंबंध। सहसंबंध का एग्जाम में यहाँ पर करेंगे हम, रकम लिखूंगी मैं यहाँ पर एक्स और वाई, 171, 185, 195, 201, 212, 212, 230, 241, 253 और 256। y की कॉलम है 207, 225, 228, 231, 232, 236, 252, 269, 258, 258। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बार और y बार। अगर आप टोटल ना भी करो ना, जैसे तो टोटल करना चाहिए, 171 प्लस 185 प्लस 195 प्लस 201 प्लस 212 प्लस 212 प्लस 230 प्लस 241 प्लस 253 प्लस 256, 256, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में, एक्स बार कितना आएगा पॉइंट में, एक्स बार 215.6 आएगा, वाई बार 207 प्लस 225 प्लस 228 प्लस 231 प्लस 232 प्लस 236 प्लस 252 प्लस 279 प्लस 258 प्लस 258, 239.6। अब क्या करना है, यहाँ पर यू की कॉलम लेंगे, यू की कॉलम एक्स माइनस जे, वाई की कॉलम v की कॉलम y माइनस बी, उसके बाद यू वी की कॉलम, उसके बाद u का स्क्वायर और v का स्क्वायर, इस तरह की कॉलम। तो x माइनस a, हमको सिर्फ यहाँ पर a और b फर्स्ट करना है। फर्स्ट करने में अगर हम यहाँ पर 171 से कोई भी बीच की रकम हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई भी रकम हम फर्स्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग की पहली रकम भी आप फर्स्ट कर सकते हो, आखिरी रकम भी आप फर्स्ट कर सकते हो, कोई भी रकम आप फर्स्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर 212 फर्स्ट कर लिया, 171 माइनस 212 कितना आया, माइनस 41, 185 माइनस 212 तो कितना आया, माइनस 27, 12 में 5, 17, माइनस 17, माइनस 11, 0, 0, 18, यहाँ पर 212 माइनस 200 29, 253 माइनस 212 41, 256 माइनस आएगा 44। अब यहाँ पर सिग्मा यू, इस कॉलम का हम टोटल करेंगे, पूरी कॉलम का। अब बी 232 में से 7 माइनस करेंगे, सॉरी 207 में से 232 माइनस करेंगे। हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया, ए को 212 और इसको 232 फर्स्ट कर दिया, आंसर आएगा यहाँ पर 25।
यहाँ पर आएगा माइनस सेवन, यहाँ पर आएगा माइनस फोर, यहाँ पर आएगा माइनस वन जीरो, यहाँ पर आएगा पाँच, यहाँ पर आएगा बत्तीस और तैंतालीस और बावन दो बीस, यहाँ पर आएगा 232 में से 279 माइनस में यहाँ पर आएगा 37, 232 में से 258 माइनस, सॉरी मेरे को यहाँ पर लगता है भूल गई हूँ, 232 में से 52 माइनस 47 52 यहाँ पर आएगा 20, सही तो है 26, यहाँ पर आएगा 26 और यहाँ पर भी आएगा 26, सारी रकम लिखी है ना 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो यहाँ पर आपको प्लस वाली रकम को प्लस करना है, माइनस वाली रकम को माइनस करना है, प्लस में से माइनस करने के बाद आपको रकम मिलेगी। अब यू और बी का जर्ब करेंगे, 41 जर्ब 25, 1025 माइनस माइनस प्लस, 27 जर्ब 7 189, 17 जर्ब 4 यहाँ पर आएगा 68, 11 का 11 यहाँ पर 0, 18 2 36 360, 37 जर्ब 29 1073, 41 जर्ब 26 1066 और 44 जर्ब 26 1144। फिर इसका भी हम टोटल करेंगे सिग्मा यू बी, ठीक है। अब यू का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर 41 का स्क्वायर 1681, 27 का स्क्वायर 729, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 29 का स्क्वायर 841, 41 का स्क्वायर फिर वापस 1681 और 44 का स्क्वायर है 1936। अब बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर है 625, 37 49 50, 4 6 16, 1 1 0 का 0, 25 वैल्यू 4 400, 37.5 का स्क्वायर होगा 1359 59, फिर उसके बाद होगा 26 का स्क्वायर 676 और 676, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर सिग्मा यू का स्क्वायर सिग्मा वी का स्क्वायर इस तरह से दाखला होगा। इसके बाद अब यहाँ पर हम जाप्ता लेते हैं, क्या ढूंढने के लिए, बी ढूंढने के लिए, एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का स्क्वायर जर्ब एन सिग्मा बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बी पूरे का स्क्वायर, ये हमारा जाप्ता होता है। और मुझे पता है ये जाप्ता आपको याद है कि हम किस तरह का जाप्ता लिखते हैं, तो ये किसका जाप्ता है, ये कार्ल पियर्सन की रीत का जाप्ता है। यहाँ पर ये यहाँ पर कार्ल पियर्सन की रीत का जाप्ता है और उसके बाद आती है स्पीयरमैन की रीत, जिसका मैं आपको एक और दाखिला कराऊंगी स्पीयरमैन की रीत का। यहाँ पर स्पीयरमैन की रीत की हुई है एक्स, एक दाखिला करा देती हूँ यहाँ पर एक्स दाखला नंबर 4 एक्स और वाई 10 -8 -6 -2 10 12 -4 -8, अभी तक शायद ही हमने माइनस वाला दाखला किया होगा, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर माइनस वाला दाखला करके बताती हूँ, -17 22 और 34। आपको पता है हमारी जो रेखा होती है यहाँ पर, तो इसमें ये 1 2 3 4 होता है और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर बड़े होते हैं उसे छोटा माना जाता है, यहाँ पर जो नंबर बड़े होते हैं उसे बड़ा माना जाता है। तो हम यहाँ पर जो नंबर सबसे बड़े है उसको कम नंबर देकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आर एक्स की कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम आर वाई की कॉलम बनाएंगे, उसके बाद डी आर एक्स माइनस आर वाई की कॉलम बनाएंगे।
देंगे हम, उसके बाद हम इसको देंगे चौथा नंबर, उसके बाद इसको देंगे हम पांचवा नंबर, उसके बाद हम इसको छः नंबर दो को देंगे, यानी 6.5, 6.5, 7 और ये 8 नंबर, इस तरह से नंबर दे देंगे। उसके बाद 32 को हम ले देंगे फर्स्ट 1.5 नंबर, ये सबसे छोटा गिना जाएगा। उसके बाद 17 को हम तीसरा नंबर देंगे, उसके बाद ये 16 चौथा नंबर, 22 पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर और आठवां नंबर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 6.5 में से 0.5 माइनस 5, इसमें से ये माइनस, तो बचेगा माइनस 6.5, माइनस 3, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, 8 में से 3 जाएगा माइनस 5, 4 में से 1 जाएगा माइनस 1 और 7, तो माइनस 5.5, इसका आंसर 0 आना चाहिए। 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हो रहा है, 5, 6, 10, कोई ना कोई मिस्टेक है। अच्छा, ये माइनस नहीं है, अब जीरो होना ही चाहिए, वरना दोबारा करो। 6 में 5, 11 और ये 12, 13, 14, 15 और ये 16 हो गए, 5 में 5, 10 में 15 और 1, 16 हो गया, जीरो आंसर आ गया हमारा। ये हमारी कॉलम बन गई। अब हमको सिग्मा डी स्क्वायर एक और कॉलम बनेगी यहाँ पर हमारी, हम यहाँ पर डी स्क्वायर की कॉलम बनाएंगे। 5×5, 25, 6×6, 5×5, 25, 5×6, 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 5×6
बैतालीस पॉइंट पच्चीस, अड़तालीस नौ एक पच्चीस, पच्चीस एक और पाँच पॉइंट पाँच, तीस पॉइंट पच्चीस। अब इसका टोटल और हमारा जाप्ता तो आपको पता ही है, हमको सीएफ का बॉस सीएफ ढूंढना है और उसके बाद हमारा जाप्ता लगाना है। सीएफ ढूंढने के बाद हमारा जाप्ता लगेगा बी का कैलकुलेशन का, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर सीएफ अपन एल एन स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा जाप्ता है, जो जाप्ता आपको पता है। और सीएफ की कॉलम किस तरह ढूंढी जाती है वो भी आपको पहले मैंने बताया था, वो भी आपको पता ही है कि सीएफ किस तरह ढूंढा जाता है। उसका कोष्टक बनाया जाता है, कोष्टक बनाने के बाद उसको सीएफ को निकाला जाता है। ठीक है, हो गए हमारे चार दाखिले रिवीजन कर लिए है, चार दाखिलों का हमने रिवीजन कर लिया है। इंशाल्लाह अब आगे के दाखिले उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से एकम कसौटी में दाखिले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।